My Story. नमस्कार, फिजीवन के एक और नए और रंगारंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जीवन के रंगमंच में हमें कई रंग देखने को मिलते हैं, कभी खट्टी तो कभी मीठी, और वो जीवन ही क्या जिसमें ये दोनों ना हो। इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती रहती है, बहुत सी मुश्किलें रोजाना हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक खत्म करो तो पलक झपकते ही दूसरी मुश्किल हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका सामना कैसे करें। ऐसा विश्वास है कि जिस किसी ने इन मुश्किलों का सामना डट कर किया, उसी ने ही जिंदगी का सही मतलब समझा है। हर इंसान की अपनी एक कहानी है। तो दोस्तों, आज से लेकर आने वाले 13 मंगलवार तक हम ऐसे लोगों को अपनी कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे जिन्होंने जिंदगी में आए कई उतार चढ़ाव के बावजूद अपने जीवन को एक नया नाम दिया है। तो पेश है मेरी कहानी सीजन 1 का हमारा पहला एपिसोड। मेरा बचपन सिंगटोका में बीता और सिंगटोका स्पेशल स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, जिसके बाद मैं सुवा आ गया। सुवा में मैंने हिल्टन स्पेशल स्कूल से अपनी पढ़ाई की। बाद में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गेल्डर पहुंचा, जहां से बैचलर्स इन साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। नमस्कार, मेरी कहानी के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कोरोतुंगो सिंगटोका का एक बच्चा था, छोटा था और हम और आपसे थोड़ा अलग। अपनी माँ की आंखों का तारा और घर वालों के लिए बहुत ही स्पेशल। इन्होंने सपने बहुत ही बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन सपनों की यह दुनिया बड़ी ही जालिम है। यहाँ पर किसी के सपने सच होते हैं तो किसी के सपने सपने रह जाते हैं। मुश्किल और भी बढ़ जाती है जब हम औरों से थोड़ा अलग होते हैं। ये कहानी है उस लड़के की जो घर और समाज में स्पेशल होने के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़ा है। पिछले सप्ताह कृष्णी सेन ने अपनी कहानी को हमारे साथ बांटा। आज हम उसी के बचे हुए भाग को पेश करने जा रहे हैं। They feel pity, they feel sorry for the deaf person. But my mother said, it doesn't matter, just explain to them that you're deaf, they don't need to pity you. You can do anything, anything that normal people do. I was born fully deaf because my mother was sick. But I can hear. I can hear very loud sounds. But I can't make out what the sounds are or what the words say. फिजी वापस आने पर इन्होंने हिल्टन स्पेशल स्कूल ज्वाइन की एक कंप्यूटर टीचर बनकर। बचपन में इनमें जो उत्साह थी हर चीज को जानने और समझने के लिए, स्कूल ज्वाइन करने पर इन्होंने वही उत्साह इन मासूम बच्चों में भी देखी। इसीलिए जो कुछ इन्होंने न्यूजीलैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में सीखी, उसको यहाँ के करिकुलम के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरी कहानी, माय स्टोरी।